कुछ खबरें होती हैं खास, कुछ खबरें होती हैं अलग, कुछ खबरें होती हैं वो जो आप पर और हम पर करती हैं सीधा असर। चलिए देखते हैं इस बड़ी खबर को। कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ है भारत में उसको एक महीने से ज्यादा हो चुका है। लोग लॉकडाउन में एक महीने से ज्यादा रह चुके हैं और मुझे उन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है जो लॉकडाउन से पहले बाल कटाने का सोचे थे और बोला कि हम लोग बाद में बाल कटाएंगे। और आप आजकल अपने आसपास के लोगों में देख सकते हो कि उनके बाल बढ़ रहे हैं, तो आपको भी ऐसा ख्याल आया होगा कि एक बार नाई के पास चल के बाल कटवा लेते हैं। लेकिन इस खबर के बाद आपको वो करने में भी कोई चैन नहीं आएगा क्योंकि लॉकडाउन में कई लोगों के बाल काटने वाले नाई को निकला कोरोना वायरस पॉजिटिव। जी हाँ, उसको टेस्ट में कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का एक नाई कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दरअसल लॉकडाउन के दौरान वो लोगों के घरों में जाकर और दुकान पर कस्टमर बुलाकर चोरी छिपे बाल कटवाता था और हजामत भी करता था। इस बात की खबर लगते ही ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन चौकन्ना हो गया और उन लोगों को ट्रेस करना शुरू कर दिया जो उनके दुकान पर आए थे। अभी तक 30 लोगों के बारे में जानकारी मिली है जिन्होंने उस नाई से बाल कटवाए हैं। तो जिन 30 लोगों के इसने बाल कटवाए हैं, क्या उन्हीं में से किसी का कोरोना पॉजिटिव होगा? और अगर इनका कोरोना पॉजिटिव होगा तो ये किन किन को कोरोना फैलाएंगे? और ये नाई को अभी क्या जरूरत थी लॉकडाउन में? क्या वो खुद की सुरक्षा के लिए एक बार नहीं सोच सकता और पैसे के लिए आगे आ गया? ये बहुत गलत बात है। लॉकडाउन में लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है ताकि कोरोना वायरस फैले ना, लेकिन नाई की इस छोटी सी गलती से भारत के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है।